उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार यानी 10 अक्टूबर को सुबह 8:16 पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 3 बार सीएम के पद और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह को देश के वरिष्ठ और दिग्गज राजनेताओं के रूप में जाना जाता है। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्हें उनके कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए याद किया जाता रहेगा। मुलायम सिंह ने भरे मंच पर अखिलेश यादव की लगाई थी क्लास। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के रूप में साल 2017 समाजवादी पार्टी के लिए अर्श से फर्श पर आने वाला साबित हुआ। उस समय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का पारिवारिक विवाद भी सुर्खियों में छाया हुआ था। उन दिनों मुलायम भारी सभाओं में अपने बेटे अखिलेश को कुछ न कुछ सुना दिया करते थे। स्थिति ऐसी भी बन गई थी जब एक बार मंच पर मुलायम ने अखिलेश को खुलेआम चेतावनी दे डाली। हालांकि मुलायम सिंह पहले भी कई बार कैमरे के सामने या भरी सभाओं में अखिलेश यादव को फटकार लगा चुके हैं। सार्वजनिक मंचों पर बार बार फटकार लगाए जाने पर अखिलेश यादव ने एक बार मंच पर भी कहा था कि नेताजी कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और कब पता ही नहीं चलता। साल 2015 में भी मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव की भरी सभा में क्लास लगा दी थी। वो मैनपुरी में आयोजित एक जनसभा के दौरान लोगों की भीड़ के सामने ही अखिलेश पर भड़क गए और सबके सामने अखिलेश को मंच पर खड़ा कर उनसे जवाब तलब किया। दरअसल मामला एक स्कूल के खुलने का था, जिसे लेकर नेताजी नाराज हो गए। उन्होंने मंच पर अपने भाषण के दौरान अखिलेश से सवाल करते हुए कहा, ऐसे बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, लेकिन स्कूल निर्माण के काम में अभी तक पत्थर रखने के सिवा कुछ और क्यों नहीं हुआ है? इस सवाल के जवाब में अखिलेश कहते हैं, आप कब तक चाहते हैं कि काम हो जाए, बताइए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा था कि इस हार पर पदाधिकारी लापरवाह रहे और जनता की नब्ज नहीं पकड़ सके।